असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको अपना अपनी राय अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपने शुक्रवार के दिन रमजान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा, तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहां से आप संभवतः विधायक हैं, माँ कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है, तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है, उसको अपने जीने का खाने का रहने का सबको अपना अधिकार है। और इससे बेहतर यह होगा कि जिस मान्यता की आप वकालत करते हैं वहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज़्यादा बेहतर होता। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको अपना अपनी राय अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपने शुक्रवार के दिन रमजान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा, तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ से आप संभवतः विधायक हैं, माँ कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है, तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है, उसको अपने जीने का खाने का रहने का सबको अपना अधिकार है। और इससे बेहतर यह होगा कि जिस मान्यता की आप वकालत करते हैं वहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज़्यादा बेहतर होता। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको अपना अपनी राय अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपने शुक्रवार के दिन रमजान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा, तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ से आप संभवतः विधायक हैं, माँ कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है, तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है, उसको अपने जीने का खाने का रहने का सबको अपना अधिकार है। और इससे बेहतर यह होगा कि जिस मान्यता की आप वकालत करते हैं वहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज्यादा बेहतर होता। आपुनी बिसरा बातरी पाबो केवल न्यूज 18 एपत। न्यूज 18 एप डाउनलोड करिबोलै स्कैन करक ए QR कोड। गूगल प्ले स्टोरतो पाबो ए न्यूज 18 एप।